हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ जिला कांगड़ा ने अपनी लंबित मांगों को लेकर करीब 1000 से अधिक पेंशनरों ने जिला मुख्यालय धर्मशाला में शहीद स्मारक से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक विशाल रैली का आयोजन कर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मुर्दाबाद हो बर्बाद के नारे लगाकर अपना रोष प्रदर्शन किया। इस रैली में पेंशनर्स द्वारा प्रदेश सरकार को सहायक उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपनी लंबित मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ जिला कांगड़ा की रैली की अध्यक्षता हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह जसवाल ने की। हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह जसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिला कांगड़ा के जितने भी पेंशनर हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि वे इस सरकार को यहां से ललकारते हैं कि अगर प्रदेश सरकार पेंशनरों की आवाज को सुनती है तो वे सरकार की हर चीज को मानने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर एक महीने के अंदर उनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो वे यहां से तमाम सरकार को बता देना चाहते हैं कि अपने कार्य क्षेत्र में आने से पहले मुख्यमंत्री सहित मंत्री विधायक और दूसरे जो निगमों बोर्डों के अध्यक्ष हैं वे सोच समझ कर आए कि जब आपने पेंशनर के साथ कुठाराघात किया है तो कांग्रेस सरकार को आने वाले विधानसभा चुनावों में किसी भी क्षेत्र से वोट नहीं मिलेगा और उनके विरुद्ध खुलकर उनके खिलाफ काम किया जाएगा। गौरतलब है कि संघ द्वारा प्रदेश सरकार से मांग की जा रही है कि पंजाब की तर्ज पर 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पूरा करने वाले पेंशनरों को मिलने वाली 5, 10 व 15% भत्तों को मूल पेंशन में समायोजित कर अतिरिक्त पेंशन लाभ दिया जाए। इस मांग को पूर्व विधानसभा चुनावों के दौरान पूरा करने का वायदा किया गया था, लेकिन इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। इसके अलावा उन्होंने पेंशनर के चिकित्सा भत्ते को 1000 रूपए की जाने पेंशनर के ग्रेड पे को 116 से बढ़ाने तथा 116 से पहले सेवानिवृत्त हुए जिनकी 33 साल नौकरी पूरी थी उनको भी 50% वैश्विक पे के आधार पर पेंशन देने की मांग उठाई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2003 के बाद सरकारी विभागों में तैनात हुए कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम में लाना चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो मंत्री विधायकों की भी पेंशन बंद की जानी चाहिए। अब जिला कांगड़ा के जितने भी पेंशनर हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अगर हम इस सरकार को यहां से ललकार देते हैं कि अगर पेंशनरों की आवाज को सुनती है तो हम उनकी हर चीज को मानने को तैयार हैं, अगर एक महीने के अंदर वो ऐसा काम नहीं करते हैं तो हम उसको इस मंच से ये संबोधित कर देते हैं तमाम सरकार को कि अपने कार्य क्षेत्र में आने से पहले मुख्यमंत्री सहित विधायक और दूसरे जो निगम बोर्डों के अध्यक्ष हैं वो भी सोच करके आए कि जब तुमने पेंशनों के साथ कुठाराघात किया है तो तुम्हारी कांग्रेस सरकार को किसी प्रकार का कोई वोट किसी भी क्षेत्र से नहीं मिलेगा और उनके विरुद्ध खोल करके बोला जाएगा। इस करके पेंशनर जो हैं वो अपने मुद्दे के ऊपर अड़ियल हैं और अपनी मांग को बनवाएंगे। अगर वह सरकार लास्ट में जाकर उस चीज को बांध भी लेती है तो हम सरकार को यह क्रेडिट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि 5 साल के अंदर जो हमारा मैनिफेस्टो था वो सरकार के पास ज्यों का त्यों रहा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस करके हम ये जो हमारी धर्मशाला से रैली की आवाज उठी है ये पूरे प्रदेश के अंदर चलेगी और जितने भी लीडर हैं ब्लॉक्स के और जिला के सबको आगाह मैं कर चुका हूं और उनका इरादा बन चुका है कि सरकार को कांग्रेस को भगाओ अगर ये पेंशनरों की आवाज नहीं सुनती है तो।